हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्ड रिसर्च की जीके लाइब्रेरी में, जिसमें हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी 12 साल, ऑप्शन सी 15 साल, ऑप्शन डी 20 साल। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किसके वेतनों का प्रावधान है? ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति और राज्यपाल का भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतनों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1952 को भारत की लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद में लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी अनुच्छेद 8, ऑप्शन डी अनुच्छेद 9। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में निम्नलिखित में किसका वेतन आयकर से मुक्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन डी सभी मंत्री। जिसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में वेतन आयकर से मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? ऑप्शन ए नीला सत्यनारायण, ऑप्शन बी सुधा पिल्लई, ऑप्शन सी रीता सिन्हा, ऑप्शन डी लीना मेहंडले। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सरकारी कार्यों को निर्वहन करता है? ऑप्शन ए राज्य के मंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी कैबिनेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैबिनेट। कैबिनेट सरकारी कार्यों को निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 10, शून्यकाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया के नियमों में कोई जिक्र नहीं है, ऑप्शन बी शून्यकाल 12 मध्याह्न पर शुरू होता है, ऑप्शन सी शून्यकाल प्रश्न बिना अनुमति के पूछे जा सकते हैं, या ऑप्शन डी तीनों ही सही है। जिसका सही आंसर है तीनों। शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया के नियमों में भी जिक्र होता है, और शून्यकाल 12 मध्याह्न पर शुरू होता है, और शून्यकाल प्रश्न बिना अनुमति के पूछे जा सकते हैं, इसके तीनों ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, दल बदल विरोधी अधिनियम किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ? ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी इंद्र कुमार गुजराल। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य ने भारत की पहली मुकदमा नियंत्रित जनजातीय पंचायत शुरू की? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। जिसका सही आंसर है केरल, ऑप्शन सी केरल। केरल ने केरल राज्य ऐसा है जिसने पहली मुकदमा नियंत्रित जनजातीय पंचायत शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 13, एस के धर समिति कब बनाई गई? ऑप्शन ए जनवरी 1947, ऑप्शन बी मार्च 1950, ऑप्शन सी जून 1948, ऑप्शन डी
अगस्त 1949, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी जून 1948 में बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 14, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत खिल सकते हैं? ऑप्शन ए 3840, ऑप्शन बी 2840, ऑप्शन सी 5000, ऑप्शन डी 6500। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3840। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? ऑप्शन ए राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है।